यूट्यूब एज अ करियर इन 2021, गुड और नॉट, या फिर यूट्यूब करियर के रूप में 2021 में अच्छा है या बुरा, इसको चुनना चाहिए नहीं, इस टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप यूट्यूबर हो या बनना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा कि 2020 में यूट्यूबर बनना कितना आसान या कितना कठिन है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि 2021 में क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या कॉम्पिटिशन है यूट्यूबर बनने में, और साथ ही साथ ये भी कवर करेंगे कि अगर आप 2020 में यूट्यूबर एज अ करियर चुनते हो तो आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो आपको इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और साथ ही बात करेंगे खुद के बारे में भी कि 4 साल पहले हमने और मेरे एक दोस्त ने एक चैनल, मतलब 2 चैनल, एक उसने एक, हमने एक साथ चालू किए थे, उनमें से एक सक्सेस हुआ और एक नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत से खोले, वो भी सक्सेस नहीं हुए, क्यों, उन चीज़ों को भी यहाँ पर कवर करेंगे, तो जानने के लिए बने रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले ये कि 2021 में एक यूट्यूबर बनने में क्या क्या परेशानियां हैं। तो सबसे पहले जो परेशानी है वो है स्ट्रक का आना। तो वीडियो बनाते वक्त स्ट्रक के आने और जाने के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है, बाइक का आना। तो इतनी देर में पता चल गया होगा कि सबसे बड़ी और पहली परेशानी वो है वीडियो रिकॉर्ड करने की, कि वीडियो कहाँ रिकॉर्ड करें, कैसे रिकॉर्ड करें, क्योंकि कोई मतलब अच्छी जगह नहीं है और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं वीडियो रिकॉर्ड करने में, वीडियो को एडिट करने में, क्योंकि शोर बहुत है। और जो इसके अलावा जो दिक्कत आती है वो ये है कि 2021 में बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब क्रिएटर्स हैं। कितने हैं जरा ये स्क्रीनशॉट देखो, ये यूट्यूब क्रिएटर्स, मतलब यूट्यूब क्रिएटर नाम का यूट्यूब का खुद का यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर लगभग 3.78 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। मतलब कि ये कि कम से कम इतने तो यूट्यूबर्स हैं ही, हालांकि इससे ज़्यादा भी होंगे, जैसे कि हम फॉलो नहीं करते हैं, मतलब हम सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हो सकता है सब्सक्राइब ना करें, ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा सबसे पहले तो कॉम्पिटिशन है जिसकी वजह से कठिन है, और दूसरी वजह ये कि अब यहाँ पे छोटी मोटी नॉलेज तो चलती है लेकिन एडिटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ठीक से एडिटिंग नहीं आती है तो आपकी वीडियोस नहीं चलेंगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बहुत अच्छी क्वालिटी में वीडियोस बनाने वाले हैं इस वक्त। अब जैसे कि धीरे धीरे मेरी वीडियो की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है क्योंकि कॉम्पिटिशन है, हमें भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर देखना है तो बहुत पुरानी मेरी कुछ वीडियोज़ देखो, ऑनलाइन से देखते चले आओ, धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव होती नज़र आ जाएगी। तो जब यूट्यूब पर इतना ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं, इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एक यूट्यूबर के लिए जो 2021 में आता है या आना चाहता है, क्योंकि उसे बहुत सारे यूट्यूबर से कंपटीशन करना पड़ेगा अपनी वीडियो को रैंक कराने के लिए, उस पर व्यूज़ पाने के लिए। और जो ऑडियंस है उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि वो आपकी वीडियो क्यों देखे। अगर उसको आपसे बेटर क्वालिटी, बेटर वीडियो क्वालिटी, बेटर ऑडियो क्वालिटी कहीं और मिल रही है तो क्यों ना वो दूसरे बंदे को ही देखना प्रेफर करेगी, भले ही आपको नॉलेज हो फिर भी दूसरे बंदे को प्रेफर करेगी, क्योंकि उसको देखने में सहूलियत मिलेगी, वीडियो क्वालिटी साफ़ होगी, ऑडियो क्वालिटी साफ़ होगी, तो बेशक आप और बाकी भी क्रिएटर्स दूसरों की वीडियो ही देखोगे। अब बात करें 2021 में जो यूट्यूबर्स को अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो कॉम्पिटिशन तो बहुत है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, देख ही लिया कितने सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब क्रिएटर्स के, मतलब यूट्यूब क्रिएटर चैनल के, तो बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑडियंस है 2016 में। दो फिर से दिक्कत, हॉर्न की दिक्कत सबसे बड़ी। तो 2016 में जहाँ बहुत कम ऑडियंस थी यूट्यूब के ऊपर, बहुत ज़्यादा कम लोग जानते थे, आज 2021 में बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब पे जानते हैं, को जानते हैं, और बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल अगर आप 2016 में कुछ यूट्यूब चैनल्स को जानते होंगे, उनके ऊपर थोड़े बहुत व्यूज़ आते थे और अब उन पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, 25-30 मिलियन तक पार कर जाते हैं नॉर्मल क्रिएटर्स के, किसी बड़े चैनल की बात नहीं करें। और इसका मतलब ये है कि अगर आप भी आते हो तो बेशक आपको भी ऑडियंस मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है। हो सकता है किसी ऑडियंस को क्वालिटी पसंद हो, किसी को हो सकता है नॉलेज ही पसंद हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोगों को अनबॉक्सिंग पसंद है तो टेक्निकल चैनल में एक बंदे का चैनल देखते हैं जिसकी फ़ोटो यहाँ है, और अगर किसी बंदे को डीप, बिल्कुल डीप टेक्नोलॉजी पसंद है, बिल्कुल डीप टेक पसंद है, तो हो सकता है वो लोग इस बंदे को देखते हो। दोनों को आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो स्क्रीनशॉट लो और इसका गूगल सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा दोनों लोग कौन है। हाँ, तो अगर
YouTube पे आने पे कुछ कठिनाइयों और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो कुछ ये अपॉर्चुनिटीज़ है और ये मुश्किलें हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सी हैं जो कि एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। और जब भी नहीं, हर किसी को एक ही तरह की मुश्किल होती है, सबको अलग अलग तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। अब बात इसकी कि 2016 में हमने और मेरे एक दोस्त ने साथ में यूट्यूब चैनल चालू किया था और एक ग्रो हो गया और एक ग्रो नहीं हुआ। हालांकि हम लोग पास सिर्फ ये दो चैनल नहीं थे, इसके अलावा उसने भी बहुत से चैनल खोले और हमने भी बहुत से चैनल खोले हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं हुए। उसके पीछे क्या वजह थी? तो जब थोड़ा यूट्यूब पे आगे बढ़े तो तब तक, जब तक थोड़ी सी नॉलेज है यूट्यूब की, तब तक मेरे दोस्त के उस चैनल पे एक वीडियो वायरल जा चुकी थी जिसके ऊपर करीब 120K से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके थे। तो हम लोगों ने उस वक्त डिसाइड किया कि इस चैनल के ऊपर हम लोग किसी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे यूट्यूब से रिलेटेड, चाहे और बाकी किसी भी वीडियो और किसी भी चैनल पर करें। तो हमने अपने बहुत से चैनल पर एक्सपेरिमेंट किए जो कि एक एक करके डिलीट होते चले गए। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे वो आने वाली वीडियोज़, आगे वाली वीडियोज़ में बात करेंगे अगर आप लोग जानना चाहोगे। तो इसके अलावा मेरे दोस्त ने खाली वही एक लौता चैनल चलाया, इसके अलावा दो और चैनल खोले, पर उसके ऊपर उसने ज़्यादा कुछ वर्क किया नहीं तो उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब वीडियो अपलोड नहीं हुई तो दिक्कत ही क्या आती। पर एक वीडियो, एक जो अपना ये चैनल था, इसके ऊपर कभी वो बंदा एक्टिव रहा, कभी एक्टिव नहीं रहा, तो कई बार ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई, फिर उसके बाद एकदम से रुक गई, नीचे स्टेप डाउन हुई। और अब वो बंदा पिछले करीब 6 से 7 महीनों से रेगुलर है, तो उसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी में हुई है, ग्राफ देख सकते हो। और इस वक्त उसके ऊपर लगभग 11.3K सब्सक्राइबर्स हैं, और एवरेज व्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 10,000 के करीब करीब एवरेज व्यूज़ आ जाते हैं। हालांकि इस समय बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, तो उस वक्त हम लोगों ने ये डिसाइड किया था किसी एक चैनल को बचा के संभाल के आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर ऑडियंस को ग्रो करेंगे, बाकी चाहे चले जाएँ, क्योंकि जब एक पे ग्रो हो जाएंगे तो बाकी के पे ग्रो होना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब जो हम लोग बाकी चैनल का कभी ओपन करते हैं तो उसके जस्ट हम लोगों को खाली बताना है कि इस चैनल के ऊपर कि हमारा एक और चैनल है, उसके ऊपर जाओ और सब्सक्राइब करो, तो इस तरीके से कुछ नहीं तो 20% ऑडियंस इधर से उधर जा सकती है। और ऐसा होता ही है, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं। तो अब इसको ट्राई करेंगे इस चैनल के साथ, यानी उस चैनल से इस चैनल पर थोड़ी सी ऑडियंस ट्रांसफ़र करनी है, तो देखते हैं कितनी हो पाएगी। और जो कुछ भी होगा आपको वीडियोस में बना बना के बताते रहेंगे। हाँ, तो अगर वीडियो देखने के बाद ये फैसला किया है कि 2021 में आपको एक यूट्यूबर बनना है, तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप देख पाओ और जान पाओ कि यूट्यूबर बनने के बाद आपको और क्या क्या करना होता है, किस तरीके से वीडियो अपलोड करनी, किस तरह से ग्रो होना है। अगर आप चैनल बनाना चाहते हो तो बगल वाली वीडियो पर क्लिक करो और चैनल बनाना सीख लो, और कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स भी कर लो।